गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू हिंदी वन। बच्चों, हमने पिछले पीरियड में पार्ट चार संज्ञा स्टार्ट किया था। संज्ञा क्या है? नाम वाले शब्द संज्ञा हैं, ठीक है। ये मैंने तुम्हें समझा दिया था कि संज्ञा क्या है और उसके एग्जांपल भी करा दिए। अब हम आगे चलेंगे। पेज 20 निकालिए। ऊपर देखिए, नाम कई तरह के होते हैं। आइए कुछ अन्य संज्ञा शब्दों को जानें। नाम कैसे कई तरह के होते हैं? जैसे सबसे ऊपर दिया हुआ है व्यक्तियों के नाम, ठीक है। व्यक्तियों के नाम माँ, संचिता, अमन, ये व्यक्तियों के नाम हैं। उसके बाद दिया हुआ है वस्तुओं के नाम। वस्तु मतलब चीज़ के नाम, मेज, कंप्यूटर, पेंसिल, चेयर, टेबल, कुर्सी, मेज, ये जो चीज़ें वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के नाम, कोई भी वस्तु हो, ठीक है। उसके बाद जगहों के नाम, किसी भी जगह का नाम, विद्यालय, बाज़ार, लाल किला, या कोई जगह हो जैसे शहर का नाम है दिल्ली, हैदराबाद, हरियाणा, कोई भी शहर हो वो भी जगह के नामों में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम में शेर, मोर, हाथी, ये सब कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, वो सब क्या हैं? पशु पक्षियों के नाम। नेक्स्ट आगे देखेंगे त्योहारों के नाम। त्यौहार कौन से हैं? दीपावली, ओणम, क्रिसमस, राखी, रक्षाबंधन, कोई भी ये जो त्यौहार हैं, इन त्यौहारों के नाम। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब दिनों के नाम हैं। फिर महीनों के नाम हैं। महीनों के कौन से नाम हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसी तरीके से नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलज, नर्मदा, ये सब जो हैं व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, जगहों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, त्योहारों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, नदियों के नाम, ये सब क्या है? ये सब कुछ संज्ञा है, ये सब कुछ संज्ञा है। तो इसीलिए कहते हैं नाम वाले शब्द संज्ञा है, चाहे वो व्यक्तियों के नाम हो या वस्तुओं के नाम हो, जगहों के नाम हो, पशु पक्षियों के नाम हो, त्योहारों के नाम हो, दिनों के नाम हो या महीनों के नाम हो, ये सब है संज्ञा है। अब नीचे देखते हैं, हर व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या जगह का एक नाम होता है। हर जगह कोई भी चीज़ हो उसका एक नाम होता है, ठीक है। चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जगह हो, शहर का नाम हो, त्यौहार का नाम हो, महीने का नाम हो, नदी का नाम हो, पक्षी हो, हर चीज़ का एक नाम होता है। नाम जो है वही संज्ञा है, जो नाम है वही संज्ञा है। तो हमने क्या किया इस पाठ में? संज्ञा क्या है? नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, जगह का नाम और वस्तु का नाम, ठीक है। अब आगे इस पार्ट में एक्सरसाइजेज हैं और एक दो तीन एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। ये हम एक्सरसाइजेज नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अब आप लोगों को कॉपी में क्या करना है? आप लोग कॉपी में सबसे पहले पाठ का नाम डालेंगे, पाठ का नंबर डालेंगे और उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले ये परिभाषा लिखी जाएगी, उसके बाद आप उसके एग्जांपल देंगे। चार एग्जांपल दिए हुए हैं पेज 19 में। आप दो एग्जांपल कोई भी लिखेंगे, पूरे वाक्य सहित एग्जांपल आएगा। पहले आप परिभाषा लिखें, उसके बाद जैसे दिया हुआ है नैना रस्सी कूद रही है, ये एक एग्जांपल आ गया। उसके बाद बिल्ली कुर्सी पर बैठी है, दूसरा एग्जांपल आ गया।
चित्र नहीं बनाएंगे, खाली दो एग्जांपल लिखेंगे। तो पहले परिभाषा, उसके बाद आप दो एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। उन एग्जांपल के बाद वस्तुओं के नाम लिखा, उसका एक एग्जांपल, व्यक्तियों के नाम लिखा उसका एक एग्जांपल, वस्तुओं के नाम उसका एक एग्जांपल, जगहों के नाम उसका एक एग्जांपल, पशु पक्षियों के नाम उसका एक एग्जांपल देंगे, त्यौहार इसी तरह त्यौहार के नाम उसका एक, दिनों के नाम एक, कोई भी दिन का एक या दो दिन के नाम दे देंगे, महीनों के नाम उसका भी एक या दो एग्जांपल, और नदियों के नाम उसका भी एक या दो एग्जांपल, ठीक है। इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, इतना लिखेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you.